ये बाबा साहब हमको सपना में आए थे, जवान बाबा साहब ने दिया, तो वह कानून के तहत हम लोग को हक और अधिकार नहीं प्राप्त होता। बहुत बड़े पैमाने पर वह छेड़छाड़ को हमने रोका, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हमारे जो नेता हैं बड़े दिग्गज लोग, क्योंकि महिला का हक अधिकार 50% है। तो अम्बेडकर साहब के 132वां जयंती के अवसर पर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र में और राष्ट्रीय जनता दल के तमाम कार्यकर्ता पूरे गया जिला में, शहर से लेके गांव तक इस बार जयंती बनाने का काम किया है। 132वां जयंती में बाबा भीमराव अम्बेडकर के हर पंचायत में जो पंचायत अध्यक्ष है सारे लोग मना रहे हैं। अभी हम अपने शहर में मनाए, अब यहाँ से निकलेंगे तो हम जाएंगे केवाली गांव अपने क्षेत्र में, वहाँ मनाएंगे, उस बाद वहाँ से निकलेंगे तो बेलागंज में जाएंगे, फिर पाईबीघा में भी जाएंगे, इसी तरह से कई जगह में जाएंगे। आज जयंती समारोह पर त्यौहार के रूप में इसको हम लिए हैं, क्योंकि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हमारे जो नेता हैं बड़े दिग्गज लोग वो शायद होते नहीं, क्योंकि हक अधिकार बाबा साहब ने दिया, जवान बाबा साहब ने दिया। कानून नहीं बनाते तो वह कानून के तहत हम लोग को हक और अधिकार नहीं प्राप्त होता, इसीलिए हम लोग उनको जयंती मना रहे, 132वां जयंती, और उस जयंती में पर्व के रूप में हम लोग लिए हैं, त्यौहार के रूप में लिए हैं, और बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। एक जो बाबा साहब हक अधिकार की बात किए थे, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और पूर्व होम मिनिस्टर आडवाणी जी, थम्मी दुरई बाल जोगी, जब यह लोकसभा में बिल महिला बिल पास हो रहा था तो बाबा साहब का जो संविधान था उससे छेड़छाड़ हो रहा था, बहुत बड़े पैमाने पर वह छेड़छाड़ को हमने रोका और वह बिल हमने फाड़ के फेंक दिया। चूँकि महिला का हक अधिकार 50% है, मैं महिला बिल का खिलाफ नहीं हूँ, मैं बिल का पक्ष में हूँ और 50% रिजर्वेशन का पक्ष में हूँ, और हर जाति को जनगणना करा लो और जिसका जितना भागीदारी है उतना उसको दिला दो, इसी के पक्ष में हमने महिला बिल फाड़ा था। ये बाबा साहब हमको सपना में आए थे और कहे थे कि संविधान से छेड़छाड़ हो रहा है और संविधान को तुम रोको, किसी भी कीमत पर रोको और हक अधिकार लड़ के लो। बाबा साहब अमर रहे।